हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। अब हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर, जिस पर हम खुलकर बात करेंगे आज फिर कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए आज अलग अलग तरीके की दवाइयाँ हैं, अलग अलग तरीके की बातें चलती हैं, लेकिन उनका असर या उनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, क्या इतना और कितना वो असर करती हैं, ये हम नहीं जानते। इसलिए सेक्स से रिलेटेड हमारी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो हमारे समाज में फैली होती हैं, क्योंकि हम सेक्स से रिलेटेड बातें खुलकर नहीं कर पाते और बहुत सारी सच्चाइयों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। इसीलिए आज हम बताएंगे आपको कि बहुत सारी बातों को लेकर जो आप चिंतित रहते हैं वो आपको चिंता करने की विषय नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी बसों पर, ट्रेनों पर, लाइनों पर, हर जगह आपको बहुत सारे चित्र दिखते होंगे, बहुत सारे बोर्ड आप देखते होंगे कि इस दवाई से ये फ़र्क पड़ेगा, इस दवाई से सेक्स पावर बढ़ जाएगी और इस दवाई से लेने से आप सिर्फ 1 मिनट में ही ताकतवर बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इन दवाइयों के चक्कर में ना पड़ें और इन दवाइयों से आप बचें। जितना दूर रहेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिर्फ अपने खान पान के तरीकों पर बदलिए, अपने खान में पान में शुद्धता लेके आइए और अपने व्यायाम कीजिए, इन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सेक्स पावर बढ़ाने के तेल यूज़ कीजिए। हम सांडे का तेल सबसे अच्छा मानते हैं सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए। इन तेलों से आपने कभी भी प्रयोग करके देखिए, आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। 100 में से अगर 100 बंदों ने इसे यूज़ किया है तो 70 बंदे इसे नकार देंगे कि यह इससे हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो इस प्रकार के तेलों से आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगला तरीका और अगली भ्रांति क्या हो सकती है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि अश्लील किताबों का प्रयोग करते हैं, अश्लील वीडियो देखते हैं, छोटी छोटी मूवी होती हैं, 2-2 मिनट की सेक्स की वीडियो होती हैं, उनसे भी अपनी सेक्स पावर बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये सेक्स पावर बढ़ाती नहीं, ये सब हमारी हवस की शिकारों को या हवस की आग को बढ़ाते हैं। इससे हमें कोई सेक्स पावर नहीं बढ़ती हमारी, लेकिन यह हमारी सिर्फ कामुकता की शक्ति को बढ़ाते हैं और हमारी इच्छाओं को जगा देते हैं, जिसको शांत करने के लिए हम कई बार गलत तरीके का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। इससे इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। एक और तरीका आज लोग अपनाते हैं, जैसे बहुत सारे अंडे खाने होते हैं, अंडे खाकर कहते हैं लोग कि हमारी सेक्स पावर बढ़ जाती है। इसका फ़ायदा भी मुझे नहीं लगता कि होता है। जैसे लोग बादाम है और अलसी आदि इन चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं अपने शरीर की गर्मी को बढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका फ़ायदा होता है। आपको अपने खाने पाने के अंदर इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं पर ध्यान दर के आप अपनी सेक्स पावर को बढ़ा सकते हैं या अपने आप को ताकतवर साबित कर सकते हैं। इन चीज़ों का प्रयोग, जैसे अंडा है या बादाम है या अलसी है या काजू है, किशमिश है, इनका शायद ही आपके यौन संबंधों पर कोई फ़ायदा मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। दोस्तों, एक और चीज़ हम आपके साथ बांटना चाहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे खान पान के अंदर जिनका हमें परहेज करना चाहिए। अचार, खटाइयों का प्रयोग हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक और है शराब। लोग कहते हैं कि शराब पीने से सेक्स पावर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन यह आपके अंदर एक प्रकार की उत्तेजना तो पैदा करता है, लेकिन यह आपको धीरे धीरे शिथिल कर देता है, आपकी सेक्स पावर को भी कम करता है। तो इसीलिए आप शराब पीकर सेक्स कभी ना करें। यह आपको एक बार तो उत्तेजित करेगा, लेकिन यह दूरगामी आपको परिणाम नकारात्मक ही देगा। यह आपकी सेक्स क्षमता को कम कर देता है। और एक और प्रकार के आजकल भ्रांतियाँ चली हुई हैं हमारे समाज में कि हम तंत्र मंत्र से भी अपने लिंग को बढ़ा कर सकते हैं, अपनी सेक्स पावर को बढ़ा सकते हैं और आसमान में एक रोशनी की तरह हमें एक नज़र दिखाई देती है। ऐसा नहीं होता। तंत्र मंत्र से आप लिंग का साइज नहीं बढ़ा सकते, उसके मोटापे को भी नहीं बढ़ा सकते, या किसी प्रकार का कोई और टोटका आप कर देते हैं, इससे भी आपका लिंग बड़ा नहीं हो सकता या ना आपकी सेक्स पावर भी बढ़ेगी। सिर्फ यह एक प्रकार की भ्रांति है। तो आज ये छोटी छोटी चीज़ें हमने सेक्स से संबंधित जो आपको अनभिज्ञता थी, आप जिसमें आपके ज्ञान में वृद्धि हमने की है, और भी ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, यदि आपके पास कोई भी कमेंट है या आप हमसे कोई जुड़ना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। हम आपके सवालों का ज़रूर जवाब देंगे और आपके सवालों की प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद।